मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र हो कि आज हम फिर एक नए प्रोग्राम पे, एक नए एपिसोड में आपके साथ है। पिछले हफ्ते हमने 8 मार्च के हवाले से ख़वातीन का ख़ास दिन बड़ी पुरजोश टीम के साथ मनाया था। आपने ज़रूर वो प्रोग्राम देखा होगा। लेकिन उसी दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिसकी खबर भी 8 मार्च को हम तक पहुंची थी, कि एक 10 साला बच्ची जिसकी उम्र 10 साल 2 माह बताई जा रही थी, लाइबा जिसका नाम है, उसे घर से अगवा कर लिया गया था रात 1 बजे, जबकि उसके माँ बाप बीमार हैं, बूढ़े हैं, वो सो रहे थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि कैसे उसे अगवा किया गया। वो सुबह परेशान होते हैं। आइए आपको एक खबर सुनाते हैं जिसे हमारे मोहतरम, बहुत ही अज़ीज़ हैं, दिल से अज़ीज़ हैं कि वो हर वक्त हमारी जो बच्चियां हैं उनकी परवाह करते हैं, हमारी जो कम्युनिटी है क्रिश्चियन, उनकी परवाह करते हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ जाएं, मैं अपनी जो को होस्ट है उन्हें खुश आमदीद कहूँगी। थैंक सिस्टर यू जी, सिस्टर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे दिल हैं? बहुत दुखा हुआ है आज, बिल्कुल, ये जो और वीडियो अक्सर मैंने भी इस प्रोग्राम देखी में है, यही सिचुएशन होती है हमारी। क्योंकि ये वाकयात रुकने का नाम नहीं ले रहे। नहीं आए ले रहे दिन कोई ना कोई नई खबर, नई बात। और अभी तो ये बिल्कुल छोटी बच्ची है, बिल्कुल छोटी उसकी बच्ची है। उम्र को जब देखें तो क्या वो अपने फैसले खुद करने की सलाहियत रखती है? इतनी छोटी सी बच्ची जब वही इस्लाम छोड़ा कबूल जा किया रहा है है, उसने, और करवाया दस गया है दस या नहीं साल की है? उम्र में इस्लाम कबूल कर लिया गया है, अगवा किया गया उसे इस्लाम कबूल करवाने के लिए। तो ये बात ही समझ से बिल्कुल बाहर है। पहले वीडियो देखते हैं। जी, मेरे फिर इस पे ख्याल में बात करते हैं। आप लोगों बिल्कुल। ने शायद उसे फेसबुक पे भी देखा होगा, लेकिन आज हम किसी और नज़रिए से इस वीडियो को ज़रा चेक करेंगे। बिल्कुल चले आइए देखते हैं। जी। अच्छा, लाइबा नाँ दी बच्ची है, उसकी उम्र है 10 साल 2 माह, और उसको अरफान मसीह इधर रहता था 40 साल का, और आगे से भी उसके पहले भी 3 शादियां हैं, और बच्ची अगवा हुई है। बच्ची पहुंची है शौकत शाह उसके पास। वो मुलजम जो है वो शौकत शाह के पास ले गए हैं, ये बच्ची के वालदैन हैं। और बच्ची जब शौकत शाह के पास पहुंची है, पहले तो इनको बच्ची का पता ही नहीं था कि बच्ची कहाँ पे है। जब ये ढूंढते शौकत शाह के पास पहुंचे हैं तो शौकत शाह ने कहा जी कि बच्ची को हमने अब मुसलमान कर लिया, अब हम बच्ची को वापस नहीं कर सकते। ये सूरत हाल है मसीहों की, और हम अरसा दराज से बार बार इस बात का इसरार कर रहे हैं कि इस पे कुछ सख्त कानूनी कार्रवाई है, जो कानून है उन पे अमल दरामद करवाया जाए। यहाँ पे पुलिस का किरदार भी बड़ा मनफी है और बायस्ड है। और अब मुझे ये बताएं कि 10 साल 2 माह की बच्ची को इस्लाम कबूल करवा के या मजहब की तब्दीली करवा के उसके वालदैन से कैसे दूर रखा जा सकता है? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और आज जबकि ख्वातीन का आलमी दिन है और अरसा दराज से कोशिश हो रही है कि जो मसीह हैं, हिंदू हैं और बाकी जो मजाहब हैं, उनकी कमसन बच्चियों को अगवा करके और मदद की तब्दीली करवाई जा सकती है, लेकिन इस पे आज तक कोई भी अमल दरामद नहीं हो सका कि कोई बच्चियां वापस हुई हैं और मुलजमान को सख्त सजा दी गई हो। खवातीन भी साल के साल रैलियां निकाल लेती हैं और उसमें एक दो चार इशू पे बात कर लेती हैं, लेकिन आज के दिन तक मैंने फैसलाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये नहीं देखा कि ख्वातीन इकट्ठी हो के उन्होंने इस बात पर भी कोशिश की हो कि कमसन बच्चियां जो हैं उनके अगवा और जबरी तब्दीली मतलब जो है इस पे बात करें। मैं आज के दिन के हवाले से, ख्वातीन के दिन के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि खुदा रहा, पहले यहाँ पे हुक्मरानी की है बेनजीर भुट्टो ने, लेकिन तब भी खवातीन की कुछ सूरत हाल जो है ना वो इतनी काबिल दीद नहीं थी। अभी मरियम नवाज साहब हैं,
हमने आज लेटर लिखा है मरियम नवाज साहिबा को कि वो खतून है और माँ है, वो समझ सकती हैं कि 10 साल का बच्चा माँ से कैसे दूर रखा जा सकता है। मैं आज के दिन की रसासत से जीरेला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से कहता हूँ कि कोई एक मिसाल कायम कर दें जो कि यहाँ पे रहने वाली मिनोरिटी जो है वो समझें कि जी फलां जमात ने उनके लिए बहुत काम किया है। इनकी बच्ची जो है लाइबा उम्र 10 साल है, मेहरबानी करें उसको बाजियाब करवाएं। मैंने खलील ताहिर संधू साहब को भी लिखा है, वो इंसानी हकूक के वजीर हैं, कि बराए मेहरबानी को ऐसी मिसाल पैदा कर दें कि रियासत जो है वो इस बात का गुस्सा करे कि कमसन बच्चियों के साथ जो जिंसी ज्यादती के लिए उनको अगवा किया जाता है। तो अभी हमारे पास हैं अपना सहेल साहब जो बच्ची के वालिद हैं। जी आप क्या कहेंगे? जी असं भी कहने ये बच्ची साड़ी वापस की साड़ी किसी ने नहीं सुनी, असं अदालतों तक भी धक्के खाधे, ना साड़ी पुलिस वाले मदद की ना किसी की। शाह के पास बच्ची आ, तो शाह जरा उन्हें मुसलमान करा ली आ, वह कहता जी मैं ईसाई नहीं करा सकता, मैं मुसलमान करती है, ठीक है, मैं वो मिन्नतें की, मैं वो तरले किए, उन्हें कहा जी वो रहीम जार खां गई है, जो फलानी जगह पर गई है, जो कित भी गई है, तो मैं लिया जाओ मैं तुम मिलाऊँगा। अज तक उन्हें सानू नहीं मिलाई, मुड़ी जी मिलाई मिलाई तो उन्हें जी मैं दारोरमान जमा कराई, वो नाँ जमा हुई है, वो नाँ निकल के आई है, लिया जा साड़ी मेहनत है जी, साड़ी बच्ची सानू वापस आनी चाहिए, असी मेहनत करते हैं जी, सानू बच्ची साड़ी वापस देनी चाहिए, साड़ी कोई नहीं सुन देना, पुलिस वाला ना दूसरा ना तीसरा, असी दोनों थक गए, महीना हो चला जी, बड़ी मेहरबानी होगी साड़ी बच्ची वापस आ जाए। तुसी की कहोगे जी? बच्ची चाहिए मैनू, बच्ची चाहिए मैनू, 10 साल दी बच्ची मेरी, ਜਾਨਕਿ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਬੱਚੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਵਾਪਸ ਆਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਰਿਆਸਤੀ ਅਦਾਰੇ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਫਾ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮੇਤ ਰਿਆਸਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣ ਖਵਾਤੀਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਜਲੂਸ ਨਾ ਕੱਢਣ ਖਵਾਤੀਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਜਲੂਸ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਲ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਬ ਤੱਕ ਰੋਏਂਗੇ ਹਮ ਕਿਤਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਏਂਗੇ ਤੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਗੀ ਕੌਣ ਸੁਨੇਗਾ ਕਿਸੇ ਬੋਲੇ कैसे सुनेगा कभी आपने इन सवालों पे गौर किया है कभी सोचा है इस तरह से क्या आपका भी दिल इतना ही दुखा हुआ है जितना कि हम आज महसूस कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के क्या करें क्या हल है इसका मतलब एक अरसे से हम सब मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं जैसे कि अभी इस वीडियो में भी लाला रोबन साहब ने कहा कि खवातीन भी एक मिलके वो इज्तिमाई तौर पे थोड़ी सी इज्तिमाई तौर पे कोशिश करती हैं उठाती हैं लेकिन उतना काफी नहीं है बिल्कुल और इन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं इस वीडियो में लेकिन हम स्टोरी पे जरा गौर करते हैं सबसे पहले पहली बात तो ये है कि जिसका जिक्र सबसे पहले हुआ है वो है उम्र बिल्कुल 10 साल 2 महीने बड़े वाज तौर पर उन्होंने उस बच्ची की उम्र बताई है बिल्कुल फिर दूसरा जो पॉइंट है इस वीडियो में कि वालदैन निहायत गरीब हैं बिल्कुल उनकी हालत जो है वो बहुत ही खस्ता है माँ भी रो रही है बाप भी रो रहा है हमें नहीं पता पूरी सिचुएशन का शायद हमारी जब लाला रोबन से बात होगी तो और ज़्यादा हमें पता चलेगा हो जाएंगी चीज़ें लेकिन इस वीडियो में जितना हमें नज़र आ रहा है ऐसा लग रहा है कि वो उनका एक ही सहारा है जो अब नहीं गरीब मजबूर लाचार बीमार लोग बीमार लोग बिल्कुल शुगर का मरीज बिल्कुल पेशेंट बता रहे हैं वो सुहेल साहब को बिल्कुल ठीक है फिर हमें जो पॉइंट इसमें नज़र आता है कि इरफान मसीह की बात हो रही है
किसकी बात हो रही है? इरफान, इरफान मसीह की बात हो रही है। बिल्कुल नाजरीन, चाबी हमारे पास है। चाबी किसके पास है? हमारे पास है या अपने किसी के पास है? ताला उसी से खुल रहा है और वही उसको लेके गया घर से, उठा ताला के ले जाने वाला। कोई ना कोई, किसी भी स्टोरी में आप देख लें, कोई ना कोई, कोई ना कोई बीच में शामिल होता है, किसी ना किसी या तो हमारा खानदान खुद शामिल होता है, जैसे मसीही होते हुए हम नरम दिल रखते हैं, रहम दिल में है, प्यार दिल में है, क्योंकि तालीम यही है हमारी। बिल्कुल ठीक है, तो प्यार भी दिल में है, रहम भी दिल में है, फिर पड़ोसी से अपनी मानत जैसे मतलब प्यार करने का हुक्म, अपने हुक्म है। बिल्कुल, अब यही तालीमात लेकर हम उस माशरे में चल रहे हैं। बिल्कुल चलना भी चाहिए, मसीही मतलब हमें ऐसा लगता है कि ऐसा चलना भी चाहिए और चल रहे हैं हम। बिल्कुल, अब इसी तालीम के साथ हम अपने पड़ोसी से बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं। बिल्कुल, वो पड़ोसी कोई भी हो सकता है, हमारे मजहब से हो सकता है या गैर मजहब का भी हो सकता है। बिल्कुल, अब पड़ोसी से राह और रस्म बढ़ते हैं, अब वो चाहे हमारे मजहब का है या किसी और मजहब का है, वो क्या है और वो क्या करेगा ये हमें पता नहीं है। हमारा इस प्रोग्राम का आज से हमने एक स्लोगन जो है वो रख लिया है, उसे तय कर लिया है जी। अब जब भी हमारा ये प्रोग्राम होगा तो हम ये स्लोगन जो है वो लाजमी चलाएंगे और बोलेंगे भी कि बेदारी अब से बहुत जरूरी। बिल्कुल, बेदारी अब बहुत जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल, बेदारी होना बहुत जरूरी है कि हम किसके साथ तालीमात अपनी जगह पे हैं वो सब रखें, ताल्लुकात अच्छे रखें, लेकिन अवेयर रहें। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद अवेयरनेस है, क्योंकि ये जो वाक्य अभी आपने बताया लाइबा का, अगर हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी देखें तो इस तरह के वाक्यात जो हैं, क्या ये शरई तौर पे या कानूनी तौर पे ये इलीगल इवेंट्स ये जो सारे हो रहे हैं, मतलब इनकी अवेयरनेस हर बंदे को होनी चाहिए ना, होनी चाहिए, ना सिर्फ औरतों को, बंदों को। और वैसे भी ये जो है, इट्स अ वायलेशन ऑफ गर्ल्स राइट टू चूज लाइफ पार्टनर बाय फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट, क्योंकि ये तो ओपनली जिसे कहते हैं ना, ये वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स की भी, जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो अगर ये जो हमारा अभी आपने कहा कि बेदारी या बहुत ज़रूरी, अगर हर औरत फैमिलीज अपने तौर पे बेदार हो रहेंगी तो मेरे ख्याल में ऐसे वाकयात में खत्म तो नहीं होंगे, कुछ कमी आएगी, जरूर आ जाएगी, कमी आएगी। और फिर ये है कि मसीही होने के नाते हम वो जैसे यर्मिया में गालबन 17:5 में है कि मलाउन है वो शख्स जो बशर को अपना बाजू जानता है, तो हम मतलब किसी पे तो नहीं डिपेंड करते, क्योंकि हमारा तवक्कल तो खुदावंद की ज़ात पे ही है। लेकिन मेरे ख्याल में हमें गवर्नमेंट की हेल्प की भी ज़रूरत है, हम उनके तामुन से ही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हमें खुद भी अवेयर रहना चाहिए और गवर्नमेंट से भी अपील करनी चाहिए। अच्छा, मैं सिस्टर जी समझती हूँ कि जी, हमें ना जी असल में मेरा ताल्लुक क्योंकि टीचिंग से रहा है, तो इसलिए मैं दर्शो तदरीस के शोबे से जी बिल्कुल उसी तरह से देखती हूँ। जैसे जी, किसी चीज की ना जड़ को पकड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अब तक अगर हम नाकाम है ना, कोशिशें अपनी जगह पे हैं, रोना अपनी जगह पर है, वो है, दुख तकलीफ सब अपनी सब अपनी जगह पे है, लेकिन इसके बावजूद जो एक चीज मिस हो रही है वो रूट हमसे पकड़ी नहीं जा रही, जड़ नहीं पकड़ रहे हम। जड़ को बात शुरू कहां से हो रही है और किस तरह से सिलसिला चलता है, बिल्कुल जड़ तक जरूर पहुंचे और वो जड़ हम खुद है। हम खुद इस तरह नहीं है कि हम कह रहे हैं आज भी हमारे साथ कर लो, नहीं नहीं, हम बड़ी मुश्किल में है, इसमें कोई शक नहीं है, और तकलीफ में है, पाकिस्तान में इंतहाई मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारते हैं। बिल्कुल, लेकिन हमें अवेयर होना पड़ेगा, अवेयरनेस हमें होनी चाहिए। यहाँ पे मैं ये भी कहूंगी कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। लेकिन सिस्टर, इसमें ये भी मैं शायद मेरा अपना मतलब एक ख्याल है कि जैसे वो एक शेर भी है ना कि रात अंधेरी रोक सकेगी कब तक रास्ता सूरज का, रात अंधेरी रोक सकेगी कब तक रास्ता सूरज का, आज नहीं तो कल ये जादू अहदे सितम का टूटेगा। तो मतलब अगर गवर्नमेंट या पुलिस वाले या वहाँ की जो इक्तदार में लोग हैं, अगर वो हमारे साथ तावुन करें इन वाकयात के बाद,
तो क्या फिर असल वाकया तक नहीं पहुंचा जा सकता? और क्योंकि अभी भी तो देखे ना, जैसे मतलब औरतें वज़ीरे आला मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहब की बात हो रही है, या और भी जो ख़वातीन इक्तदार में है, अगर वो ताबुन करें, औरत के दुख को समझें। अच्छा, तो क्या इसमें ना अभी कुछ उसी दिन पहले मेरे ख्याल 8 मार्च को ही BTL ने एक पूरी न्यूज बना के चलाई थी, तो उसमें वो भी यही वीडियो इसी इन्हीं लाला रोबन जी डैनियल के जरिए से ही वो वीडियो भी पहुंची जी। तो उसमें ये था कि जो मिनिस्टर हैं अपना ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर जो हैं जी जी खलील ताहिर सिंधु, जो कि खुद मसीही कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, बिल्कुल, तो वो वहाँ आए थे और उनके घर पे आए थे और आके तो बड़ी तसल्ली दी है, उन्होंने पेपर वेपर देखे हैं, पुलिस भी साथ थी। अच्छा। लेकिन एक्चुअली पुलिस कुछ कर नहीं रही है, हुकूमत नवाज शरीफ की है वहाँ पे। बिल्कुल। अगर वो करना चाहे बिल्कुल तो इजीली इस मसले को हल किया जा सकता है, लेकिन 8 मार्च से लेकर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो ये मतलब हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है कि ये क्यों है ऐसे। तो वो नहीं, वो चाह नहीं ना रहे, वही बात है ना कि ताबुन ना उनका हो रहा है और हम लोग भी बस एक वाकया होता है, बस सुनते हैं, दुख तकलीफ महसूस करते हैं और बस खबरों में 4 दिन के लिए चीदा चीदा बातें होती हैं और फिर बस ख़त्म। असल में पता क्या है सिस्टर जी, जब खुदा ना करे कि किसी के साथ भी ये हो, बिल्कुल, लेकिन इंसान जो है ना बड़ा खुदगर्ज है, जब तक अपने साथ ना ना हो, कि किसी की बेटी का दुख उस तक ही है कि चलो उसके साथ हुआ, लेकिन अगली बारी खुदा ना करे हमारी भी हो सकती है ना, तो इसको भी सोचने की जरूरत है, इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी, और इसीलिए बेदारी है बहुत जरूरी। बिल्कुल, कि वी शुड बी अवेयर कि कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, और एक बंदा तो कुछ नहीं कर सकता ना, बेशक हम आटे में नमक के बराबर है पाकिस्तान में, लेकिन हमारी भी कोई हैसियत, कोई वजूद, कोई दुख, कोई तकलीफ है। बिल्कुल बिल्कुल, इसे भी समझें। अच्छा जी, अब ये जो इरफान मसीह की बात हो रही है ना जी, जो इसका जरिया बना है जी, मुमकिन है कि वो पहले, मतलब हमें पूरी बात पता नहीं है, लाला जी से बात होगी तो बिल्कुल अंदर की बात पता चलेगी, बिल्कुल, लेकिन मुमकिन है कि पहले फैमिली के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हो, मुमकिन है फिर उसके बाद उसके शौकत शाह से कितने ताल्लुक है। अब इसकी वजह क्या है, वो वजह जाननी बहुत जरूरी है। गुर्बत है पाकिस्तान में अजीजो, बहुत परेशानियां हैं पाकिस्तान में, लेकिन अपनों का मांस खाएंगे हम? हाँ, कि अब ये तो नहीं कि जानवरों की तरह, वो पंजाबी की एक मिसाल है कि बांदरी दे पैर सड़े थे, बच्चे अगे करते। हाँ। तो ये तो नहीं ना कि हम अपनी जरूरतों के लिए अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को आगे करेंगे। कौम की हर बेटी हमारी बेटी है। बिल्कुल, और इसे समझने की जरूरत है हर इंसान को। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक इसे नहीं इस तरह से नहीं सोचेंगे, तब्दीली नहीं आएगी और कुछ नहीं होगा बस। अब वो बच्ची को उसने पहुंचाया है शौकत शाह तक। बिल्कुल, शौकत शाह और उसकी बीवी वो भी एक औरत है। बिल्कुल, मतलब मजहब को एक साइड पर रखें। हाँ जी, वो भी एक औरत है। के तहत अगर हम बात को सोचें, हाँ, तो वो भी एक औरत है, उसकी अपनी भी बच्चियां होंगी, बच्चे होंगे। बिल्कुल, 10 साल की बच्ची को ले जाके आप कह रहे हो हमने उसे मुसलमान कर लिया है, अब वो हमारी है और माँ बाप रो रहे, ना उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना वो बिल्कुल रो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो हमें जड़ तक पहुंचने की जरूरत है कि क्या करें, कैसे करें, क्यों करें और किस तरह से रोकथाम की जा सकती है। मतलब आए दिन के वाकयात और इतनी छोटी बच्ची के साथ, तो ये तो जुल्म की इंतहा है। जब तक इस क्यों को नहीं समझेंगे ना हम, कि जरूरत क्यों है हमें करने की, क्योंकि कल को हमारा घर भी हो सकता है। बिल्कुल, किसी का घर भी हो सकता है, ये उनकी बात नहीं है, ये हमारी बात है, हमारी अपनी बात। और कौन जाने कि कौन वो जो इरफान नाम आप ले रहे हैं, हाँ जी, इरफान मसीह, इरफान बन के कौन हमारे घरों में भी आ जा रहा है, हम तो 40 साल वो शख्स है और उसकी पहले से क्रिश्चियन होते हुए भी उसकी 3 शादियां, ये कितनी शर्म और बदनामी की बात है। तो वो शख्स कैसा होगा, जब आपको पता चल जाता है ना कि कोई ऐसा शख्स है, तो आप किनारा करें। मजहब सब कुछ नहीं है, आपकी अपनी शख्सियत भी कुछ कोई चीज है, कोई माने रखती है। बिल्कुल, तालीमात आपके लिए हैं, उसको संभालें, आप अपने उसके तालीमात के मुताबिक चलें, लेकिन कलाम भी हमें यही सिखाता है, लेकिन कबूतर की मानिंद भोले और सांप की मानिंद होशियार बनो। नहीं, लेकिन ये इरफान मसीह फिर ना तो इसमें कोई इंसानियत वाली बात हुई और ना ही इसमें कोई मसीहियत वाली बात हुई, कि अगर वो इसका जरिया बना है
क्योंकि अफसोस तो उस शख्स पे है ना कि जो उसको लेके गया, जिसने आगे कुछ उसके साथ जो भी किया वो तो बाद की बात है। बिल्कुल। और अगवा बराए जिना है ये। अब वो बच्ची के साथ क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। बिल्कुल। 10 साल की बच्ची को दारुल अमान में भी रखा गया और पेपर्स जो हैं वो उसके नाम के हैं, शौकत शाह के। कौन होता है वो? ना वो बाप है ना वो गार्डियन है, क्यों? और इतनी सी उम्र में वही बात के। अब इस बात को देखें आप कि शहजोरी कितनी है। बिल्कुल। है मजहब का झांसा कितना है कि बस जी हम तो कुछ भी कर सकते हैं। वहीं पे रहते हुए, वहीं पे मसीही फैमिली, गरीब फैमिली, लाचार बीमार माँ बाप, और उनकी बेटी को उठा के ले गया शौकत शाह, जाके अपने नाम से दारुल अमान में भी दाखिल कराया, पुलिस में भी सेटिंग बना ली होगी, इसीलिए तो पुलिस कुछ नहीं कर रही। सारा प्लान है। बिल्कुल, उसने क्योंकि वो साथ दे रहा है ना सारी जगहों की। क्या करें हम फिर, किसके पास जाए, किसके पास जाके रोए? और यूरोपियन यूनियन का ये हाल है कि वो बस उस तरह से तो काम नहीं कर रहे जिस तरह से नहीं। लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान में भी क्या हो रहा है इसके लिए, अगर आए दिन ये खबरें चलती हैं, हमारे हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत से लोग इसके लिए आवाज़ उठा ही रहे होंगे इंडिविजुअली, लेकिन उसके लिए कोई कोई एक ऐसा कोई कोई रोकथाम, कोई किसी मामले में कोई कुछ पेशरफ। चले हमारे साथ शमीम लॉरेंस हैं जो कि बहुत अच्छी स्पीकर भी हैं और इस मामले को भी हर मामले पर नजर रखती हैं वो, और इन टच रहती हैं और दर्द दिल रखती हैं अपनी कौम के लिए। जी बिल्कुल। तो वैसे तो उनका भी दरसो तदरीस के शोबे से ताल्लुक है, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, खुदा की खादिमा भी हैं, तो बहुत सारे टाइटल उनके साथ जुड़े हैं, तो हम उन्हें कॉल पे लेते हैं। जी सिस्टर शमीम, आप हमारी आवाज़ सुन सकती हैं? बेशक मैं आपकी आवाज़ सुन रही हूँ, सारी गुफ्तगू जो है वो आपकी सुन रही हूँ, और दिल जो है इस वक्त नहायत परेशान है। और जी हम वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम दाग में और शुक्रिया। मेरे साथ सिस्टर आरजू हैं, आरजू कोकब, और हम दोनों आपसे बात करेंगे। जी थैंक यू। जी कहिए, आप इस वाक्य के बारे में क्या कहेंगी? इस वाक्य के लिए मैं तो यही कहूंगी, काश मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि मैं अपनी बिनते कौम के मकतूलों पर शब रोज मातम करती। मेरा दिल इंतहाई दुख से जो है वो भरा हुआ है कि आए दिन जो है ये वाकयात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, और मसीही माँ बाप जो हैं वो इस तरीके से रो के माफिया मांग के हाथ जोड़ रहे हैं जैसे उन्होंने कोई जुर्म किया है, और उनकी बेटियां जो हैं वो लेके जा रहे हैं, और जो लेके जा रहे हैं उनकी आप दीदा दलेरी देखें कि वो कहते हैं जी हमने बेटी देनी नहीं है। तो इंतहाई दुख की बात है ये, और हमें चाहिए कि इसके खिलाफ हम एक्शन लें, और जितने भी हमारे ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर्स हैं हम उनको जो है अप्रोच करें और उनसे जो है बात करें कि आप किस लिए जो है पॉलिटिक्स में आए हो, किस लिए जो है आप जो है हमारे वोट जो है वो लेके तो सीट्स के ऊपर आते हो। अभी आपको recently, लगता है कि वो ये कर सकते हैं हमारे जो क्रिश्चियन मिनिस्टर वगैरह हैं, उनके पास ये इख्तियार है, वो बात कर सकते हैं, उनके पास इतनी पावर है? जी देखिए मेरी बात सुने, अगर तो वो सिर्फ जो है अपने बैंक बैलेंस बनाने के लिए, अपने नेम एंड फेम के लिए आए हैं पॉलिटिक्स में, तो फिर तो वो नहीं करेंगे। और अगर वो अपनी कौम के नुमाइंदे बन के आए हैं तो फिर जो है अपनी जान जो है वो भी देने के लिए तैयार होंगे। जैसा कि सलमान तासीर ने जो है आसिया बीबी के लिए बोला और उनका मर्डर हो गया, शबाब भट्टी साहब जो हैं उनका जो है मर्डर हुआ, तो ये लोग अपनी जान की फिक्र करते हैं, ये नहीं सोचते कि हम कोई ऐसा काम करके चले जाएं जिससे दुनिया हमें याद रखे। आज शबाज भट्टी को सब जानते हैं, और अगर उन्होंने कुछ ऐसा ना कौम के लिए किया होता तो यकीनन मैं उनका नाम ना लेती। तो इनको करना चाहिए, अगर ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, देखें कोई भी चीज़ जो है अगर हम बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं,
लेकिन ये अपने मुफाद परस्त होने की वजह से जो है ये नहीं बात करते। अभी जो है सब ने एक कामरान माइकल साहब की जो है वो तकरीर शेयर की और मुझे भी किसी ने शेयर की, तो मैं उस तकरीर के ऊपर जो है ना ये बात कर रही थी कि वो 18 साल का कानून पास करवा रहे हैं सिर्फ मसीहों के लिए। आप समझती हैं कि क्या 18 साल की बच्ची जो है अगर मसीहों के लिए वो कानून पास करवा रहे हैं तो उसका मसीहों को क्या फायदा इससे हो सकता है? बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है उल्टा नुकसान होगा कि जैसे 16 साल की बच्ची अगर कोई शादी करना चाहता है, बच्ची की 17 साल की बच्ची की शादी करना तो चाहता सिस्टर है जी वहाँ तो पे उसे तो वेट पेपर करना। बनाना ही कोई मुश्किल काम नहीं है ना, वहाँ तो 11 साल हाँ की जी बच्ची को भी 18 साल की बनाया जा सकता है। क्यों पाकिस्तान सिस्टर? में तो नहीं कुछ नहीं भी कुछ मुमकिन भी है, मुमकिन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हाँ मुसलमानों के लिए नहीं है ना सिस्टर सुंबल, ये मुसलमानों के लिए तो है ही नहीं, ये सिर्फ क्रिश्चियंस के अंदर है कि 18 साल का लड़का होना चाहिए और 18 साल की लड़की होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो मैं समझ मुसलमान तो रही हूँ ये इस बात कहते को। हैं, हाँ जी जी मुसलमान तो कहते हैं जी लड़की बालिग हो जाए तो ठीक है हाँ उसकी वो तो शादी जो दस है साल वो की हो भी जाए, उनके लिए तो। जी वो तो 10 साल की भी हो सकती है। अब ये बच्ची जो लाइबा है इस बच्ची के लिए जो है मैं ये समझती हूँ कि वहाँ लाला पीटर जो है वो लाला रूबन वो काफी जो है वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या बाकी जो ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं वो सोए हुए हैं? क्या उनको वहां पे खड़े नहीं होना चाहिए? अगर आज वहां पे सब आवाज नहीं बनेंगे उनकी, तो उनकी भी बेटियों को जो है कोई दूसरे दिन लेके चला जाएगा, और उस शख्स को यानी इरफान मसीह जो है उसको और शौकत शाह जो है इनको कड़ी से कड़ी सजा जो है मरियम नवाज साहबा जो एक खातून है खुद उनकी भी औरत है, बेटियों बिल्कुल को, सही बात। ठीक है, कड़ी से कड़ी इनको सजा मिले ताकि जो है नेक्स्ट टाइम कोई और जुर्रत ना कर सके के जबरदस्ती जबरी मजहब तब्दीली जो है उसकी तरफ उनको लेके आया। क्या 10 साल की बच्ची जो है वो अपने मजहब को तो समझ नहीं सकती, वो दूसरों के मजहब क्या समझेगी, दूसरे के सही बात है। मजाहब के मजहब के लिए उसके अंदर जो है वो क्या? तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो हमारे अपने ही लोगों की है जो इनसे राबते रखते हैं, जो इनको अपने घरों में आने जाने देते हैं, मामे चाचे फूफा जो है ये बना लेते हैं, तो इनको नहीं आने देना चाहिए। और सिस्टर जी मेरे साथ जब मिलकर कोई बोलें ऐसा कि बेदारी अब बहुत ज़रूरी, तीनों मिलकर बोलते हैं जी बेदारी बेदारी अब अब बहुत बहुत ज़रूरी। जरूरी, बहुत जरूरी जी बिल्कुल। तो देखिए हर रोज जो है तकरीबन हर हफ्ते मेरे पास जो है ये खबरें आती रहती हैं, 10 से 12 साल की बच्ची जो है उसको जबरी मजहब तब्दील करवाया गया है, और फिर उन बच्चियों को जो है अपनी हिरासत में जो है वो रख लेते हैं। ये मैं कहती हूँ ये जो दारा जिसको आप कह रही हैं जहाँ पे उन्होंने दारुल बच्ची को अमान। हाँ जी छोड़ा, हाँ जी हाँ जी दारुल अमान के अंदर भी जो है वहाँ पे ऐसा सॉरी कानून ऐसा नाफिज होना चाहिए कि कोई भी क्रिश्चियन बच्ची अगर वो लेके आते हैं तो उसको वो पनाह ना दे, क्योंकि हाँ वो हमारे बच्ची को अपने शेल्टर जबरदस्ती होम्स है, हैं, लेकिन वो तो एज अ हमारे अपने मुसलमान लेके शेल्टर जाते हैं ना वहाँ पे। उस बंदे नहीं, ने वो एज पता ए है आपको मुसलमान सिस्टर भी जी ये लेके भी बोला जाए। है कि इसको अपने खानदान से डर था, उसने ये भी बोला हाँ है खानदान से, शौकत शाह शौकत ने ये भी बोला खानदान से, कि इसको अपने माँ बाप से अपने रिश्तेदारों से डर था कि ये मुसलमान हो गई है तो वो इसको मार देंगे। इसलिए ये कौन से वहां लेके क्रिश्चियन ने गया। किसको मारा है? हम तो कहते हैं अच्छा भाई तूने हाँ मजहब ये कर लेना, चल रहा है तो सही घर हाँ पे रहा है, जी कर ले बिल्कुल जो मर्जी बिल्कुल, और फॉलो करना माफी है का वो कर ले। बिल्कुल। हम में कहाँ हाँ ये जी मारने मराने का जज्बा ये इतना कत्ला होता है। बरा, हाँ हाँ ये कत्लो गारत कतल, हाँ कहाँ कत्लो करते हैं? गारत की बात नहीं है बिल्कुल। देखें अभी इस वक्त जो है अवेयरनेस देने की आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अवेयरनेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब थैंक यू। नहमिया नबी को जो है वो फाटक जल गए थे यरूशलेम के, तो उसने एक हाथ में तलवार रखी हुई थी और दूसरे हाथ से जो है वो दीवार जो है वो यरूशलेम की तामीर करवा रहा था। तो हमें इस वक्त जो है दोनों चीज़ों को जो है वो देखना है कि हम जो है कुछ इस तरह का स्टेप लें, अगर वो आते हैं हमारी तरफ हमारी बच्चियों को अगवा करने के लिए तो यार मरना तो एक दिन है ही है ना हर किसी ने, तो बिल्कुल अपनी इज्जत से बढ़ के जो है वो क्या चीज़ हो सकती है। सही हमारे बात। वालिद साहब जो है ना, मैं आपको 1976 की बात बता रही हूँ, हम छोटे थे उस वक्त, तो हमारे वालिद साहब बाहर चले गए, तो हमारी बड़ी बहन थी और मामा भी हमारी जवान थी, हम लोग छोटे छोटे थे, तो बड़ी बाजी जो है वो कोई 12-13 साल या 15-16 साल की थी,
तो अब्बू उनको और मेरी वालदा को जो है वो रिवॉल्वर दे के गए और सिखा के गए, और आज तक हमारे घर में रिवॉल्वर पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा घर जो है वो मुसलमानों का जो एरिया शुरू होता है वहाँ पे। और ये उस दौर की बात कर रहे हो जब उस वक्त तो इतना था भी नहीं, ऐसा कुछ था नहीं, था भी नहीं। अब्बू ने जो है ट्रेंड किया, हम क्योंकि चार बेटियां थी एक बेटा था, तो वो ट्रेंड किया मेरी बहन को और माँ को कि अगर कोई शख्स घर में घुस आए तो या मारना है या मर जाना है, ये रिवॉल्वर है इसको इस तरीके से चलाना है। तो वो अक्सर हवाई फायर जो है वो बाहर करते रहते थे, तो हमारे घर की तरफ किसी ने नजर नहीं की कि भाई ये जो है क्रिश्चियन, तगड़े क्रिश्चियन है। तो अगर क्रिश्चियन लोग जो हैं वो थोड़ा सा अपने आप को इस तरीके से वो हाथ जोड़ रहे हैं, रो रहे हैं कि जैसे वो मुजरम बन के बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन इनको ये भी एक हकीकत है ना कि हर बंदा उतना कर नहीं सकता। वो हमारे क्रिश्चियन जो है माली तौर पर, ये भी एक अलग टॉपिक है कि हमें किस तरह से अपनी कौम को खड़ा कर सकते हैं, ये एक अलग मसला है। कमजोर है, मजबूर है, और बिल्कुल हर बंदा नहीं कर सकता, लेकिन दिल में हिम्मत, बिल्कुल बेदारी, अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। देखें जब कब तक ये गुलामाना सोच के अंदर रहेंगे। अब भट्टों से जो है वो बच्चियां उठा के ले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं आपके नॉलेज में होगा कि वो रिपोर्ट भी नहीं होते, वो हम तक खबर भी उनकी नहीं पहुंचती। तो मैं इसकी सोच विचार के अंदर जो है एक ही बात जो है हमेशा करती हूँ कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने मसीही लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरत है कि इज्जत पे जब कोई हाथ डालने लगे ना तो या मर जाओ या मार दो, इस तरह का जो है वो करो। क्योंकि देखें बेशक हमारी तालीम ये है कि एक तेरे मुंह पे कोई तमाचा मारे तो दूसरा भी फेर दे, लेकिन जहाँ पे हमें दिलेरी और करेज की जरूरत है, बाइबल मुकद्दस हमें बुजदिल नहीं बनाती, खुदा तो बुजदिलों को पसंद ही नहीं करता, खुदा जो है वो तो दिलेर लोगों को जो है वो पसंद करता है। जब जदाउन जो है वो जंग करने के लिए गया था तो उसे खुदा ने कहा कि भई तू वो बंदे लेना जो कुत्तों की तरह चपड़ चपड़ कर पानी पीते हों, उनको जंग के अंदर शामिल करना। तो आज हम कलाम के एक हिस्से को सिर्फ लेते हैं, क्योंकि अवेयरनेस ना तो हमें कलाम की है ना ही हमें दुनिया की कोई अवेयरनेस है। हम एक हिस्से को पकड़ लेते हैं जी, हमें उनके साथ अपना अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए, उनके साथ जो है हमें अच्छे तरीके से जो है वो बात करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये जो मुसलमान लोग हैं ये पीडोफाइल हैं, ठीक है। अब पीडोफाइल की जो डेफिनेशन है, अ पर्सन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रन। और ये कैसे सेक्सुअली जो है ये अट्रैक्टेड है बच्चों की तरफ, इनकी अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो ये आपको लड़ी की लड़ी पीछे से नजर आती है, जहां से। हाँ जी, वो भी एक बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, उस पर भी जरूर किसी दिन बात तो करेंगे। फिलहाल आज जो है हम अभी टाइम खत्म हो चुका है, तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, आपने टाइम दिया, और हम गाहे बगाहे जब भी रिकॉर्डिंग हो तो जरूर चाहेंगे कि आप इसमें शामिल हो सके और जरूर बात हो, तो खुदावंद आपके साथ हो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहीं ख़त्म होता है। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि जल्द भाई जो जिन्हें लाला रोबन जी डैनियल कहते हैं उनसे ज़रूर बात हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हकीकत है वो आप तक जल्दी पहुंचाई जाए। बिल्कुल, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और अपना बहुत ख्याल रखें, और हम दोनों के लिए भी दुआगो रहे कि खुदावंद इसी तरह से हिम्मत दे, ताकत दे, क्योंकि ये प्रोग्राम करना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल होता है। बहुत दुख से भर कर हम लोग ये प्रोग्राम कर पाते हैं। तो खुदावंद आपके साथ भी हो, और हर बच्ची, कौम की हर बच्ची को खुदावंद महफूज रखे। लेकिन फिर से कहेंगे कि बेदारी अब बहुत ज़रूरी, तो इसी आप बेदार रहे और अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.